तरह युद्ध में जाने से पहले कोई भी सिपाही अपने सभी सामान की जांच करता है और अगर उसमें कुछ खराबी हो तो उसे ठीक करता है। ठीक वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने संगठन को चाक चौबंद करने में जुट गए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद काफी दिनों से खाली पड़ा था और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से निजी कारणों की वजह से अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इस पद पर जल्द ही किसी को विराजमान किया जाएगा और इस संशय का खुलासा हो गया है। खबरों के मुताबिक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री राज करने वाली शीला दीक्षित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष होंगी। इसके साथ ही साथ योगानंद शास्त्री, देवेंद्र यादव, हारून यूसुफ और राजेश लिलोठिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और इनके नामों की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। सूत्रों की माने तो जिस तरह पार्टी में अंदरूनी कलह है उसे बहुत हद तक पाटने का काम शीला दीक्षित कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर तो 4 से 5 नाम चल ही रहे थे, मगर दावेदारी 15 से 20 वरिष्ठ नेता ठोक रहे थे। इनमें कई पूर्व अध्यक्ष, सांसद, मंत्री और विधायक शामिल थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे कई नेता भी इस दौड़ में शामिल थे। ये अलग बात है कि अध्यक्ष पद के लिए जितने अधिक नाम थे उतना ही उन्हें लेकर विरोधाभास भी था, लेकिन आखिरकार बाजी शीला दीक्षित के हाथ लगी और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर फिर एक बार भरोसा जताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नया अध्यक्ष कांग्रेस के पुराने दिन लौटा पाता है या नहीं।